सो होपफुली गाइस आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। सो सबसे तो पहले आप सभी लोगों को इस तरीके से कुछ वीडियो एडिटिंग करने के लिए आप सभी लोगों को ये वाला एप्लीकेशन हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। सो जाकर डाउनलोड कर लो। उसके साथों साथ गाइस आप सभी लोगों को सिनेक वीडियो का लिंक भी हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब भी आप सभी लोग लिंक पर क्लिक करोगे सो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ सकती है, या फिर आप सभी लोगों को पूरा का पूरा प्रोफाइल शो हो सकती है। प्रोफाइल शो हो जाए सो गाइस आप सभी लोग इस वीडियो के अंदर टैप करना। टैप करने के बाद सिंपली आप सभी लोगों को ऊपर में लाइक वाला बटन लाइक कर देना, कमेंट अच्छा लगे तो अच्छा सा एक कमेंट कर देना, और नीचे आप सभी लोगों को डाउनलोड वाला ऑप्शन। सो डाउनलोड वाला ऑप्शन पर जब भी आप सभी लोग टैप करोगे सो मेरा इंटरनेट ऑफ है, सो मैं इंटरनेट को ऑन कर लेता हूँ। सो डाउनलोड वाला ऑप्शन पर जब भी आप सभी लोग टैप करोगे सो देख सकते हो गाइस डाउनलोड हो चुका है। सो आप सभी लोगों को दो चीज़ डाउनलोड करनी है, एक तो सेनेक्स वीडियो से हमारा वीडियो, और एक है गाइस आप सभी लोगों का ये वाला एप्लीकेशन जिससे हम एडिटिंग करेंगे। सो जब भी आप सभी लोग फर्स्ट में ये वाला एप्लीकेशन को ओपन करोगे सो प्लस वाला आइकन में टैप करना। प्लस वाला आइकन में टैप करने के बाद आप सभी लोगों का मीडिया सेक्शन खुलेगा। सो मैं एक बार टैप कर लेता हूँ, और गाइस आप सभी लोग देख सकते हो हमारे सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ चुकी है। हम लोगों का जो वीडियो था वो है ये वाला। सो हम लोग इसको सिंपली रेड वाले आइकन में टैप करने के बाद ले लेंगे। सो ऊपर में आप सभी लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, एक्सपोर्ट वाला बटन, इसको बोलते हैं प्ले बटन, इसको अंडू और अंडू का राइट साइड का। सो बहुत सारा टूल मिल जाता है। आप सभी लोगों को सिंपली इस वीडियो के अंदर टैप नहीं करना, टैप कर दोगे तो एक बार बैक कर देना। और गाइस आप सभी लोगों को देख लेना है, नीचे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, उनमें से आप सभी लोगों को ये जो ऑप्शन दिख रहा है गाइस आप सभी लोगों को इसको टैप करना पड़ेगा। जब भी आप सभी लोग टैप करोगे सो इस तरीके से कुछ बहुत सारा आप सभी लोगों को 1x1, 4x3 ऐसे कुछ मिलेगा। सो 4x3 को मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस मैं इसको इधर से उधर मूव करूँगा। सो आप सभी लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारी क्रॉप हो रही है। सो मैं इसको 1x1 क्लिक कर देता हूँ, और इसको मैं बड़ा कर लूँगा। सो अच्छी तरीके से हो जाने के बाद इसको टैप करूँगा, बैक हो गया है। अब गाइस मैं एक बार इसको प्ले कर लेता हूँ। प्ले करने से पहले मैं इसका साउंड को कर दूँगा ऑफ। सो साउंड को ऑफ करने के लिए इस बटन के ऊपर टैप करना पड़ेगा। सो आप सभी लोग देख सकते हो साउंड पूरा का पूरा ऑफ हो चुका है। सो मैं इसको टैप करने के बाद मैं देखूँगा कहाँ से हमारी इमोट शुरू हुई है। सो इस जगह से हमारी इमोट शुरू हुई है, सो इस जगह पर टैप करूँगा वीडियो के अंदर। और नीचे आप सभी लोगों को ये वाला क्रॉप सेक्शन है, क्रॉप में जब भी आप सभी लोग टैप करोगे सो आप सभी लोगों का वीडियो का जो लेयर है वो आप सभी लोगों को दो पार्टों में डिवाइडेड हो जाएगा। सो इसको मैं लेफ़्ट साइड को कर दूंगा डिलीट, क्योंकि गैस उस साइड में थोड़ा सा फालतू टाइप का कुछ खराब रह चुका है। सो उसके बाद गैस हमारी ये जो कैरेक्टर है उसके बाद डांस कर रही है। सो नीचे सिंपली आप सभी लोगों को और एक प्लेस मिल जाएगा, प्लस वाला आइकॉन। सो जब भी आप सभी लोग प्लस वाला आइकॉन में टैप करोगे नीचे आप सभी लोगों का मीडिया सेक्शन खुल जाएगा। सो मीडिया सेक्शन में क्लिक करने के बाद जो भी हमारी वो वीडियो डाउनलोड कर रखे हो, कौन से वीडियो की बात कर रहे हो गाइस आप सभी लोग, ये सेनेक्स वीडियो में जाके ये वाला वीडियो जो भी डाउनलोड कर रखे हो इस जगह पे आप सभी लोगों को मिल जाएगा। सो सिलेक्ट करो और रेड वाले ऑप्शन में टैप कर देना। सो आप सभी लोगों का वो वीडियो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इससे क्या होगा गाइस, वो वीडियो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे आप सभी लोगों का सॉन्ग आ जाएगा। सो सॉन्ग लेने के बाद सॉन्ग के ऊपर टैप करना है। ओके गाइस, सॉन्ग के ऊपर टैप करने के बाद नीचे आप सभी लोगों को ये फ्लैग वाला ऑप्शन मिलेगा। फ्लैग वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ये है प्लस वाला आइकॉन, जिस जगह पे प्लस करके उस जगह पे एक छोटा सा पीला टाइप का कुछ मार्किंग हो जाएगा। सो जिस जिस जगह पे आप सभी लोग टैप करोगे उस जगह पे ये मार्किंग हो जाएगा, और उसी मार्किंग के ऊपर चले जाने के बाद देखो माइनस करने के भी बटन आ रही है। सो इस गाने को मैं कर दूंगा प्ले, और प्ले करने के साथों साथ इसको मैं टैप करूंगा जिस जिस जगह पे हमारी बीट आएगी। सो आप सभी लोग फॉलो करो मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। सो सिंपली गाइस आप सभी लोग देख सकते हो हमारी टोटल 3 पॉइंट हो चुके हैं। सो तीन इमोट हम एक ही इमोट मैं तीनों बार दिखा चुका हूँ एक एक ड्रेस चेंज करने के बाद। सो सिंपली हम लोग डन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। सो ये जो हमारे कैरेक्टर डांस कर रही है सो उस जगह पे चले जाएंगे जिस जगह पे हमारे बीट है। सो ये देख सकते हो, सो ये जैसे डांस कर रही है देखो गाइस, ये फर्स्ट में आप सभी लोगों का हाथ सामने की ओर घुमा रहा है, उसके बाद ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में घूम के हाथ इधर से उधर फैला रही है। सो मैं क्या करूँगा,
ये पूरा का पूरा हाथ फैलाने की नहीं आए तो आप सभी लोग इस वीडियो के अंदर टैप करना और इसको कर देना स्लो मोशन, सो आप सभी लोगों का आ जाएगा। सो मेरा तो सिंपली आ चुका है, सो मैं फर्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चले जाऊँगा। पॉइंट के ऊपर चले जाने के बाद वीडियो के ऊपर टैप कर दूंगा और इसको कर दूंगा मिडिल क्रॉप। सो मिडिल में कैसे क्रॉप कर रहा हूँ, वीडियो को ऊपर टैप करने के बाद आप सभी लोगों का तभी ऑप्शन ओपन हो जाएगा वीडियो को क्रॉप करने का। सो मैं वीडियो को कर दूंगा क्रॉप। सो अब गाइस मैं इसको राइट साइड की ओर ले जाऊंगा और जाऊंगा और आप सभी लोग देख सकते हो सेकेंड वाला जो हमारी ये जो इमोट है और जो ड्रेस चेंज करके आया हूँ उसको आप सभी लोग देख लेना है कहाँ पे मेरी हाथ इधर से उधर कर रही है, वो भी राइट साइड की ओर। सो इस जगह से कर रही है, ओके। सो इसको मैं टैप करूंगा वीडियो के अंदर और इसको मिडिल ट्रिम और जो बीच वाला जो पार्ट है उसको मैं कर दूंगा डिलीट। सो पास में बहुत ही शोर आएगी गाइस, इसके लिए माफ़ी चाहूंगा। सो आप सभी लोग देख सकते हो ये पहले वाला बीट गया उसके बाद ड्रेस चेंज। सो ये जो डांस कर रही है उसके बाद देखो गाइस ये पॉइंट आने से ही पहले इसका डांस ख़त्म हो चुका है। सो मैं क्या करूँगा इस वीडियो के अंदर टैप करूँगा और इसको कर दूँगा स्लो मोशन। तो स्लो मोशन में टैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले टैप करोगे, उसके बाद गाइस आप सभी लोगों का क्रॉप सेक्शन का राइट साइड में ही मिल जाएगा एक घूमने वाला बटन। सो उसको टैप करना, लेफ्ट साइड को टैप करना। सो आप सभी लोग देख सकते हो ये फर्स्ट और ये है आप सभी लोगों का स्लो। सो ज़्यादा कुछ नहीं, 0.8x में डालूँगा और हमारे सेकेंड वाले बीट के अंदर चले जाऊँगा, ओके गाइस। सो अब गाइस मैं इसको कर दूंगा बैक और इसको मैं कर दूंगा मिडिल ट्रिम और इसको मैं कर दूंगा 1x, राइट साइड को 1x फिर से कर दूंगा। सो देख सकते हो गाइस इस जगह पे मेरी और एक क्रॉप हो गई। सो मैं इसको कर दूंगा अंडू का बटन ये है। सो मैं इसको टैप करूंगा और इसका स्पीड को कर दूंगा 1x, ओके। सो मैं उसके बाद फिर चले जाऊंगा हमारे कौन सी जगह पे और एक ड्रेस चेंजिंग हुआ था और कौन सी जगह पे हमारी ये इमोट शुरू हुआ था। सो ये जगह पे शुरू हुआ था। सो इसको मैं टैप करूंगा मिडिल ट्रिम, मिडिल वाले को कर दूंगा डिलीट। सो ऐसे ही आप सभी लोगों को तीनों जगह पे आप सभी लोगों को ड्रेस चेंजिंग करना है। और ये जो और एक मार्किंग दिख रहा है गाइस, ये सॉन्ग के नीचे दिखेगा आप सभी लोगों को पीला वाला मार्किंग जिसको हम लोगों ने मार्किंग किया था ऐसे कुछ, इस वीडियो के अंदर टैप करने के बाद फ्लैग वाले आइकन में टैप करने के बाद। सो मैं इसको कर दूंगा फिर से डन और चले जाऊंगा हमारी ये जो देख सकते हो गाइस ये कैरेक्टर डांस करते करते या पहले ही इसका डांस ख़त्म हो गया। सो डांस ख़त्म हो जाने से पहले मैं इसको कर दूंगा थोड़ा सा स्लो मोशन। सो स्लो मोशन में एकदम से 0.8x में डालूंगा, ज़्यादा स्लो मोशन तो अच्छे नहीं लगेगा। सो इसको मैं फिर से टैप करूंगा और इसको क्रॉप सेक्शन और मैं चले जाऊंगा सेकंड वाली जो हमारी डांसिंग थी। सो ये और इसको मिडिल ट्रिम और इसको कर दूंगा डिलीट। अब गाइस मैं एक बार आप सभी लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ हमारा ये वीडियो कैसी बन चुकी है। सो गाइस इस जगह पे थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है। सो इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा और कटआउट और मिडिल वाले को कर दूंगा डिलीट, मिडिल को कर दूंगा डिलीट। अब गाइस एक बार प्ले करके देखता हूँ। सो गाइस पास में बहुत ही नॉइज़ आ रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सो मैं इसको मैं फिर से कर दूंगा एक बार प्ले। सो जिस जगह पे हमारी सॉन्ग खत्म उस जगह पे चले जाऊंगा और वीडियो को टैप, इसको क्रॉप और एक्स्ट्रा पार्ट को कर दूंगा डिलीट। सो आप सभी लोग देख सकते हो गाइस हमारी पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। सो दो चार कुछ हम लोगों को इफेक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। सो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप सभी लोगों का ऐसे कुछ आप सभी लोगों को फोटो क्लिक करना पड़ेगा स्क्रीनशॉट। सो मैं पूरा का पूरा बैक चले जाता हूँ और गाइस आप सभी लोग देख पाओगे जब भी आप सभी लोग पूरा का पूरा फ्रेश टाइप के जैसे कि इस जगह पे चले जाओगे पूरा का पूरा बैक कर देना और गाइस आप सभी लोगों का ये प्रोजेक्ट इस जगह पे शो हो जाएगा। सो आप सभी लोगों का कुछ भी काम आए सो आप सभी लोग कर सकते हो। उसके बाद जब भी आप सभी लोग वही प्रोजेक्ट को फिर से दोहराना चाहते हो सो सिंपली आप सभी लोगों को ये चाइनीज़ वाला एप्लीकेशन के ऊपर टैप करना पड़ेगा और नीचे आप सभी लोगों को वही वाला प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा।
सो सबसे पहले चले आना है और आप सभी लोगों को देखना है कौन से ड्रेस को आप फर्स्ट में चेंज हुआ है। सो यह वाला ड्रेस हम लोगों को फर्स्ट में चेंज हुआ है। सो सबसे पहले चले आएंगे और इस बटन के ऊपर टैप करेंगे, ये है फ़ोटो का। सो फोटो का बटन के ऊपर टैप करेंगे, प्लस वाला आइकन में टैप। सो इस जगह पे ये है हमारी फोटो वीडियो और ये है हमारी फ़ोटो। सो देख लो गाइस कौन, सॉरी गाइस, ये है हमारी वीडियो और ये है हमारी फ़ोटो। चाइनीज़ में लिखा हुआ ये है इसलिए गाइस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सो मैं फ़ोटो को कर दूंगा क्लिक और गाइस आप सभी लोग देख सकते हो मैंने तीनों ड्रेस चेंजिंग किया था, तीन ड्रेस। सो तीनों का मैंने एक एक करके फ़ोटो क्लिक करके रखी थी, 1, 2, 3। सो सबसे पहले वाला था ये। सो इसको मैं टैप करूँगा और राइट बटन को कर दूँगा टैप। सो इसको मैं कर दूँगा पहले से ही छोटा। ओके, छोटा करने के बाद इसको मैं ले जाऊँगा फर्स्ट में, राइट लेफ्ट साइड में जिस जगह पे होगा इस ले जाना और इसको पूरा का पूरा टैप कर देना और इसका लेंथ को कर देना है कितना दूर गाइस आप सभी लोगों का जो पहले वाला मार्किंग था जिस जगह पे हमारी ड्रेस चेंजिंग हुई थी। सो उस जगह पे हम लोग चले जाएंगे और इस फोटो को कर देंगे टैप और इसको मिडिल ट्रिम और राइट साइड को कर देंगे डिलीट। सो आप सभी लोगों को रिजल्ट क्या देखने को मिलती है, ऐसे कुछ आ जाएगी और ऐसे बुम। सो आप सभी लोगों को ये थोड़ा सा और भी मज़ेदार बनाने के लिए ये जो आप सभी लोगों का ये वीडियो है उसको थोड़ा सा 1 सेकंड पहले चले जाना है और इस फोटो के अंदर टैप करना और आप सभी लोगों को ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सो इस वाले ऑप्शन को टैप करने के बाद ये देख सकते हो छोटा सा एक प्लस बन चुकी है। सो प्लस बनने के बाद इस जगह पे एक प्लस 1 सेकंड पहले और लास्ट में चले जाना है, लास्ट में और एक प्लस। सो और एक प्लस करने के बाद आप सभी लोगों को इसको ले आना है इसके बॉडी के ऊपर और इसको कर देना है छोटा। सो रिज़ल्ट आप सभी लोगों को किस तरीके से दिखने को मिलेगा सो मैं एक बार प्ले ही करके आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ। ओके गाइस, सो ऐसे ऐसे आप सभी लोगों को और दो आप सभी लोगों को फ़ोटो अटैच करना पड़ेगा। सो आप सभी लोग फर्स्ट में चले जाना और फिर से और वो कौन सा वाला ड्रेस चेंजिंग हुई थी सो देख सकते हो गाइस ये वाला ड्रेस चेंजिंग हुई थी। सो फर्स्ट में चले जाएंगे गाइस और हम लोग प्लस वाले आइकन में टैप करेंगे, फ़ोटो वाले आइकन में चूज़ करेंगे, ये है हमारी फ़ोटो वाला आइकन। सो इसके ऊपर फिर से प्लस वाले आइकन में टैप। सो गाइस आप सभी लोग देख सकते हो हमारे ये सेकंड वाली जो फ़ोटो है उसको मैं टैप करूँगा और राइट रेड कलर के जो बटन है उसमें टैप करूँगा। सो हमारी ये लेंथ हमारी ये फ़ोटो फिर से आ चुकी है। सो फोटो को मैं कर दूँगा क्लिक और इस फ़ोटो को कर दूँगा छोटा। छोटा करने के बाद इसको ले जाऊँगा इसके नीचे और मैं एक बार देख लूँगा ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा है। सो इसको मैं कर दूँगा एकदम से इसके साइज़ का। सो इस लेंथ को कर दूँगा ऐसे जूम आउट और इसका लेंथ को कर दूंगा बड़ा। कितना बड़ा करना है वो आप सभी लोग सेकेंड वाली जो हमारी ये चेंजिंग हुई थी उसका मिडिल में चले जाना है और ये जो आप सभी लोगों का फ़ोटो है फ़ोटो के ऊपर टैप करो मिडिल ट्रिम और राइट साइड को कर दो डिलीट। ओके गाइस, ऐसे ही आप सभी लोगों को तीनों जगह में करना है, ये है पहले वाला, उसके बाद ये है सेकेंड वाला। तो और भी मज़ेदार बनाने के लिए इस वाला जो आप सभी लोगों का फ़ोटो है इसका 1 सेकंड पहले चले जाना है, इस फोटो के अंदर क्लिक और ये जो आप सभी लोगों का छोटा सा एक डायमंड टाइप का कुछ दिख रहा है ये डायमंड के ऊपर टैप। सो आप सभी लोगों का फ़ोटो के अंदर एक देख सकते हो छोटा सा डायमंड टाइप का कुछ हो चुका है। सो हो जाने के बाद 1 सेकंड पहले करना है ये डायमंड वाला और आप सभी लोगों का गलती हो जाए तो अंडू का बटन दिया गया है गाइस, आप सभी लोग अंडू कर लेना और इसको चले जाना है पूरा का लास्ट में और लास्ट में और एक प्लस। सो जब भी आप सभी लोग लास्ट में आप सभी लोग प्लस करोगे सो इसको ले आना है इसके बॉडी के अंदर और इसको छोटा कर देना है। सो रिज़ल्ट आप सभी लोगों को कैसे दिखने को मिलेगा वो मैं एक बार दिखा चुका हूँ। सो मैं थर्ड नंबर के जो हमारी फ़ोटो है उसको मैं ले लूँगा, फर्स्ट में चले जाऊँगा, फिर से प्लस वाला आइकन में टैप और ये थी हमारी लास्ट वाला फ़ोटो। इसको मैं टैप करूँगा और इसको कर दूँगा छोटा। छोटा करने के बाद इसका नीचे ले आऊँगा और इसको बराबर साइज़ का कर दूँगा। सो जो भी अभी तक वीडियो देख रहे हो सो गाइस आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए मुझे भी लगता है। सो आप सभी लोग एक लाइक कर देना, चैनल पर पहले बार आए तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फाड़ देना। सो इसका लेंथ को कर देना एकदम से लास्ट की ओर और जिस जगह पे हमारी ये चेंजिंग हुई है ये वाला ड्रेस उसके मिडिल में चले जाना है। आप सभी लोगों का फ़ोटो में क्लिक करो, मिडिल ट्रिम करो और राइट साइड को कर दो पूरा का पूरा डिलीट
और इसको मज़ेदार बनाने के लिए इसका एक सेकंड पहले चले जाओ, डायमंड के ऊपर टैप और लास्ट में चले जाओ और एक टैप और इसको कर दो इसके बॉडी के ऊपर फिटिंग। बॉडी के ऊपर फिटिंग करने के बाद गाइस आप सभी लोग इसको थोड़ा सा छोटा भी करना। सो मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ यह वीडियो पूरा का पूरा कैसे बना है और भी इफेक्ट्स है गाइस, आप सभी लोग वीडियो को फुल वॉच करो। ओके गाइस, आप सभी लोगों को वीडियो एकदम से मक्खन की तरह हो चुका है। आप गाइस इसको कर दो एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट करने के बाद और भी कुछ इफेक्ट्स आप सभी लोगों को ऐड करना पड़ेगा। सो इसको सबसे पहले टैप करो एक्सपोर्ट सेक्शन में। एक्सपोर्ट सेक्शन कहाँ पे मिलेगा? सो राइट साइड कॉर्नर में आप सभी लोगों को एक्सपोर्ट सेक्शन मिलेगा। सो एक्सपोर्ट कर भी सकते हो या फिर नहीं करोगे तो भी चलेगा। नहीं गाइस, सबसे तो पहले इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। सो बहुत सारा लेयर बन चुकी है गाइस, देख सकते हो नीचे आप सभी लोगों का ये तीनों लेयर बन चुके हैं ऑलरेडी। ऑल लेयर ऐड करूँगा तो एकदम से वीडियो लैग करेगा। सो इसको मैं सबसे तो पहले कर देता हूँ एक्सपोर्ट 1080p 60fps और इसको मैं कर दूँगा रेड वाला एक आइकॉन में टैप और ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो गाइस आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा देना जो भी पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हो, और जो भी पहले से सब्सक्राइब करके रखे हो तो एक फटक से लाइक कर देना वीडियो को पसंद आए। सो बात करते करते गाइस आप सभी लोग देख सकते हो ये हमारी एक्सपोर्ट भी हो चुका है और मैं एक बार कर देता हूँ इसको नीचे वाले में टैप, हो गया है। और एक बार गाइस आप सभी लोग देख सकते हो पूरा का पूरा होम पेज में हम लोगों को भेज दिया है। हम लोगों को फिर से कर देना है प्लस वाला आइकन में टैप। सो अभी अभी जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर रखी थी उसको मैं ले लूँगा, ये फ़ोटो का और यह वीडियो का। सो मैं वीडियो के अंदर टैप करूँगा और हमारी ये फर्स्ट वाला वीडियो, इसको टैप करने के बाद सो गाइस इसको दिखा रहा है 180p से ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। सो मैं इसको टैप करूँगा, हम लोगों ने 180p से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रखी थी। सो मैं इसको टैप करने के बाद ये रेड वाला आइकन में टैप करूँगा और मैं इस नीचे राइट साइड को मैं कर दूँगा टैप, ये नीचे जो लाल वाला बटन है। सो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कर रहा है गाइस, इस वीडियो को क्वालिटी को थोड़ा छोटा कर रही है गाइस, आप सभी लोग देख सकते हो। सो इसको आप सभी लोग काट मत देना, ये 0 से लेकर 100 होने देना है। सो 70, 80, 90 हो चुका है गाइस, आप सभी लोग वीडियो को नॉन स्किप करते हुए फुल वॉच करो, मज़ा आएगा। सो इसको आप सभी लोगों को आप एकदम से जूम करना है, इस वीडियो का जूम लेंथ को जूम करना है। सो थोड़ा थोड़ा करके राइट साइड की ओर ले जाओगे यार, कहाँ पे आप सभी लोगों का फर्स्ट वाला जो शर्ट है वो गाइस कहाँ पे चेंज हुआ था। सो गाइस आप सभी लोग देख सकते हो इस जगह पे हमारी चेंज हुआ था। सो इसको मैं कर दूंगा वीडियो को टैप मिडिल ट्रिम। सो मैंने क्या किया, जिस जगह पे हमारी शर्ट चेंज हुई उस जगह पे एक ट्रिम कर दिया और सेकंड गाइस बैक कर लेता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक कौन सी जगह पे टैप कर गया। सो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और गाइस हमारी सेकेंड वाली जो हमारी चेंजिंग हुई थी उस जगह पर मैं चले जाऊँगा। ओके गाइस इस जगह पे, सो इसको मैं कर दूंगा फिर से मिडिल ट्रिम और थर्ड वाले पे चले जाऊंगा। थर्ड वाले पे चले जाने के बाद और भी बढ़िया। सो तीनों जगह पे क्रॉप करने के बाद गाइस, तीनों जगह पे क्रॉप करने के बाद आप सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वाला जो आप सभी लोगों का यह वीडियो है इसको छोड़कर राइट साइड में जो सेकेंड वाला वीडियो है आप सभी लोग इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान दो इफेक्ट्स को यूज़ करने के लिए। सो फर्स्ट वाला जो वीडियो है उसको छोड़ के सेकेंड वाले को टैप करना है और आप सभी लोगों का नीचे वीडियो का ऑप्शन मिलेगा टैप करने के बाद। ओके गाइस पहले ही नहीं दिखाएगा, पहले बहुत सारा टूल मिल जाएगा यह है ऊपर की साइड का, और वीडियो को टैप करने के बाद वीडियो के अंदर जो इफेक्ट्स यूज़ हो जाएगा सो वो है ये वाला। सो ये वीडियो के अंदर टैप करूँगा और गाइस आप सभी लोगों का इंटरनेट ऑन होना चाहिए, इंटरनेट ऑफ होगा तो नहीं चलेगा। सो इंटरनेट तो मेरा पहले से ही ऑन है। सो इस वीडियो के अंदर टैप करूँगा और ये वीडियो के अंदर टैप और तीन ऑप्शन मिलेगा, उनमें से लेफ्ट साइड को चूज़ करना और थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आप सभी लोग बहुत सारा टूल मिल जाएगा, इसमें से आप सभी लोगों को कौन सा यूज़ करना है सो मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो बहुत सारा लोडिंग ले रहा है, सो गाइस मैं वीडियो को कर दूँगा थोड़ा सा पुश। पुश हो जाने का जिस जगह पे
जब भी हमारी ये जो पूरा का पूरा वीडियो आ जाएगी, सो पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो आ चुके हैं। सो देख सकते हो इस तरीके से कुछ अलग से इफेक्ट्स है। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये जो छोटा छोटा इफेक्ट्स है, ये इसको आप सभी लोग यूज़ कर सकते हो। सो मैं एक को कर दूंगा क्लिक, सो ये ऑटोमेटिकली मेरे से क्लिक हो गया। सो मैं सेकंड वाले को चूज़ कर लेता हूँ। सो बहुत सारा लोडिंग ले रहा है गाइस, इंटरनेट कौन सी जगह पे हमारी। हाँ हो गया। सो ऐसे ही आप सभी लोगों को एक को चूज़ कर लेना पड़ेगा। सो चूज़ कर लेने के बाद आप सभी लोगों को ये जो लेंथ है इसको कर देना है 5। देखते गाइस, एक बार प्ले कर लेता हूँ। सो ज़्यादा ही कुछ हो गया, जैसे कैसे आप सभी लोग देख सकते हो, ज़्यादा ही कुछ ऐसे हो रहा है इधर से उधर। सो इसको आप सभी लोगों को ठीक ठाक करने के लिए फिर से वीडियो के अंदर टैप, वही वाला वीडियो के अंदर टैप नीचे, और फर्स्ट का अंदर क्लिक, और वही जगह पे ले चलेगा। और ये जो बीट रेट है इसको आप सभी लोगों को कम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे ये आप सभी लोगों का कितना दूर ये हिलेगा। सो पहले तो मैं 5 करके रखा था, अब कर दूँगा 3। सो उसके बाद मैं इसको कर दूँगा एक बार पहले। सो कैसे ये इरर आ चुका है गाइस, इसको मैं कर दूंगा बैक। बैक नहीं हो रहा है गाइस, नीचे वाले को ही टैप कर देता हूँ। सो बहुत ही अच्छी तरीके से गाइस आप सभी लोग देख सकते हो पहले वाला इफेक्ट यूज हो रहा है। उसके बाद सेकंड वाली वीडियो को हम लोग टैप कर देंगे, फिर से वीडियो के अंदर टैप, और फर्स्ट वाले को मैं जब भी टैप करूँगा, सो मैं इस जगह पे गाइस और एक इफेक्ट्स को ऐड कर लूँगा। और एक इफेक्ट्स को ऐड करने के बाद इस जो आप सभी लोगों का लेंथ है इसको भी कर दूँगा 3 पे सेटअप। सो डन के ऑप्शन में क्लिक करूँगा और सेकेंड वाली वीडियो को फिर से चला जाऊँगा, एक एक वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर टैप करूँगा और फिर से नीचे वाले वीडियो के अंदर, और फर्स्ट वाला को टैप करूँगा, और भी बहुत सारा खुल जाएगा। सो इनमें से आप सभी लोग इस वाले को भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सारा फिल्टर है। सो 3 को मैं सेटअप कर लेता हूँ। सो होपफुली गाइस आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसे देखने को मिलेगा, अब मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइस जो लास्ट वाला जो बीट मार रही है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही कम है, सो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। सो कैसे बढ़ाऊँगा, इसको मैं कर दूँगा 4 या 5। सो हो गया है। अब गाइस मैं चले जाऊंगा, उससे पहले मैं बता देता हूँ जो फर्स्ट वाला आप सभी लोगों का वीडियो है उसके अंदर इफेक्ट्स को यूज़ नहीं करना है। आप सभी लोगों को उसके बाद वाले जो इफेक्ट्स है उसके अंदर यूज़ करना है, उसके बाद वाले जो आप सभी लोगों का वीडियो है। सो सबसे पहले जो आप सभी लोगों को जिस जगह पर हम लोगों ने क्रॉप कर रखी थी, जिस जगह पर हमारे पहले वाला जो बीट मार रही थी, और जिस जगह पर हमारी पहले वाला ड्रेस चेंजिंग हुई थी, उसके ऊपर चले जाऊँगा। किसी को भी टैप नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग चले जाएंगे, और नीचे आप सभी लोगों का ये ईस्टर वाला मार्किंग मिल जाएगा। सो इसके अंदर जब भी टैप करोगे, सो इसमें भी आप सभी लोगों का इंटरनेट ऑन होना चाहिए। सो सेकंड वाले को मैं टैप करूँगा, ये है फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। सेकंड वाले को टैप करने के बाद बहुत सारा लोडिंग लेगा गाइस, इस जगह पे बहुत सारा लोडिंग लेने के टाइम है। सो गाइस आप सभी लोग देख सकते हो ये वाला जो बीट है, ओके गाइस ये वाला बीट को आप सभी लोगों को डाउनलोड कर लेनी है। सो ये देखो गाइस कैसे ये वर्क कर रही है, दूसरे किसी को डाउनलोड मत कर देना। सो इसका जो राइट साइड का है उसमें थोड़ा सा फ्लैश टाइप की कुछ बन रही है, सो उसके ऊपर टैप करना, सो ये डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। डाउनलोड हो जाने के बाद मुझे तो लगता है ये ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। सो मैं इसको देखता हूँ कितना दूर में और कैसे यह होता है। सो डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करने के बाद एक बार डाउन के ऑप्शन में क्लिक कर देना। सो देख सकते हो ये जो आप सभी लोगों का लेंथ है, ये जितना दूर जाता है आप सभी लोगों को जाने दो। और ये जो फर्स्ट वाला बीट है इसके अंदर आप सभी लोगों को ये ऐसे कुछ आप सभी लोगों को इफेक्ट्स मिलेगा। ओके सो ये हमारे फर्स्ट वाला, और हम लोग चले जाएंगे सेकंड वाले के अंदर। सेकंड वाले जो हमारी चेंजिंग हुई थी उसके अंदर चले जाने के बाद फिर से मैं ईस्टर वाले के ऊपर टैप करूँगा और फिर से मैं ले लूँगा वही वाला इफेक्ट को। सो हम लोगों ने दो जगह पे लिया है, फर्स्ट वाले के अंदर और सेकंड वाले के अंदर, और हम लोग चले जाएंगे थर्ड वाले के अंदर। थर्ड वाले के अंदर भी चले जाने के बाद वही वाला सेम इफेक्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। सो ईस्टर वाले के ऊपर टैप,
और हम लोग इसको कर देंगे टैप। सो आप सभी लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी हो चुकी है। ओके अब गाइस आप सभी लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए राइट साइड कॉर्नर में सिंपली आप सभी लोगों को मिल जाएगा ये वाला ऑप्शन, ये लाल कलर की। सो गाइस आप सभी लोग पास में जो नॉइज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और बहुत टाइम से मैं लगातार हिंदी में बात कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और इसको कर देंगे एक्सपोर्ट।